साहिवाल रीजन ट्रेडिशनली एक रूरल रीजन है। तीनों डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर जहाँ रूरल इकोनॉमी है, एग्रेरियन इकोनॉमी होने की वजह से यहाँ पे ज़मीनों की वजह से झगड़े मसले मसाइल रहते हैं। लिहाजा हमारा चैलेंज जो है वो क्राइम अगेंस्ट पर्सन भी है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि दो दरिया जो है सतलुज और रावी में टच करते हैं। और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ और सिक्योरिटी ड्यूटीज़ भी हैं। पहली हमें सिक्योरिटी ड्यूटी वो रमज़ान में आटा की तकसीम थी, उसके बाद फिर मुहर्रम और हराम में। ये काफ़ी सालों के बाद पहला ऐसा मौका था कि जब कोई एक सिंगल FIR भी किसी प्रोसेशन या मजलिस के टाइमिंग की या उसके रूट की वायलेशन की वो दर्ज नहीं हुई। और इसकी वजह यही थी कि मुहर्रम से पहले ही इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन हो गई थी कि सख्त मौसम और बारिशों के बावजूद किसी जगह पे भी कोई रूट की या टाइमिंग की वायलेशन नहीं हुई। तीसरा हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना जब जड़ावाला में वो वाक़या हुआ जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम आपस में लड़ाई हुई। तो वही चीज़ जो है वो यहाँ पे भी इन द मेकिंग थी, लेकिन DPO साहिवाल की टीम की जो शानदार कारकर्दगी की वजह से वो हमने जो एक नया सानिया इन द मेकिंग था उसको अवॉइड किया। और उन दिनों में यहाँ पे काउंटी ऑफ निसाओ का एक काउंटी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने इस पूरे वाक़े को कवर किया और उन्होंने फिर फाइनली अप्रिसिएशन भी इसकी दी DPO साहब को। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ये साल हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के हवाले से जो हमारा बड़ा चैलेंज रहा है वो डकैती रॉबरी विद मर्डर्स थे, और उनमें से हमारे 27 में से 25 केसेस हमने वर्कआउट किए और मुल्ज़मान तमाम गिरफ्तार हुए। इसी तरह जो ब्लाइंड मर्डर्स थे वो 42 थे जिनमें से 33 हमने वर्कआउट कर लिए, और किडनैपिंग फॉर रैंसम के 12 मुकदमा थे, 12 के 12 मुकदमा ट्रेस हुए, बंदे पकड़े गए, रैंसम मनी उनसे रिकवर हुई। सेफ सिटी का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए बनाया जाना है वो उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ से ही शुरू हुआ था, और इसमें लीड थी डिस्ट्रिक्ट बागपतन की और तहसील आरबवाला की। वहाँ पे पहला सेफ सिटी प्रोजेक्ट कामयाबी से शुरू हुआ, उसके बाद उसको कॉपी किया कबूला शरीफ ने, और फिर देन फाइनली बागपतन शहर में भी उसको कॉपी किया गया। मजमूई तौर पे 117 हॉट स्पॉट्स हैं जिनमें 415 कैमरे लगवाए गए और बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल रूम्स इनके बनाए गए जो बागपतन में, कबूला में और अरबवाला में काम कर रहे हैं। इससे पहले एक बड़ा मिनी सेफ सिटी प्रोजेक्ट दीपालपुर में भी बड़ी कामयाबी से चल रहा है। हमारे फ्यूचर प्लान्स में उकाड़ा और साहिवाल में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के अम्ब्रेला के नीचे दो प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं। उकाड़ा शहर के लिए 35 साइट्स और 4 एंट्री एग्जिट पॉइंट जो डिस्ट्रिक्ट के हैं वो अभी तक पॉइंट आउट हमने किए हैं, इसका सर्वे मुकम्मल हो गया है और वहाँ पर 153 कैमराज लगाए जाएंगे जिसका कंट्रोल रूम रेडी है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में 162 कैमराज के साथ 34 साइट्स और 10 एंट्री एग्जिट पॉइंट के साथ एक ऑफ सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो बहुत जल्द शुरू किया जाने वाला है और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी ही ये ऑपरेशनल हो जाए। साहिवाल रीजन में टोटल 48 पुलिस स्टेशंस हैं जिनमें 33 पुलिस स्टेशंस हैं उनको सिप्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। उसमें उनकी बिल्डिंग्स भी वो सिप्स के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके मुताबिक बनाई गई हैं, और इसके अलावा जो सॉफ्ट इनिशिएटिव्स हैं, सॉफ्ट इंटरवेंशंस हैं और सिप्स के जो प्रोटोकॉल हैं वो वहाँ पर कामयाबी से चल रहे हैं। उस हवाले से हमने कोशिश की है कि वहाँ पर जो ऑफिसर्स डिप्लॉय किए जाएँ वो भी पढ़े लिखे हों, IT लिटरेट हों, और जो थीम्स हमने इसमें लिए हैं वो स्टीरियोटाइप थीम्स नहीं हैं।
हमने कोशिश की है कि हर पुलिस स्टेशन का वहाँ पे कोई इंडिजिनस वो थीम हो, जिस तरह हड़प्पा है तो ओल्ड सिविलाइजेशन है, उसको हमने अपना थीम बनाया है। साहिवाल में सदर चीचा वतनी है, तो वो चूँकि मशहूर गुलूगार मेहदी हसन साहब की जाए पैदाइश है, तो वो हमने म्यूज़िक के हवाले से उसको थीम बनाया है। हुजरा शाह मकीम ओकाड़ा में है, तो उसको सूफीज़म को हमने अपना थीम रखा है। जलवरयाम है, तो वहाँ पर ट्रक कार्ड को हमने रखा है अपना थीम। और इसी तरह फरीदनगर को हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की नस्बत से वहाँ पे भी हमने सूफीज़म का एक थीम रखा है। और इसके साथ साथ सर्विस डिलीवरी के हवाले से हमने कोशिश की है कि जो टाइम लाइन्स जो दी गई हैं वो तमाम केसेस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो उसको भी पूरी तरह फॉलो करें। और इसी तरह हमने कोशिश की है कि जो हमारे वहाँ पर स्टाफ है उनका जो एटीट्यूड है लोगों के साथ, जो रवैये हैं, उनको भी हम जब हमने एक बेहतरीन किस्म का माहौल थानों के अंदर प्रोवाइड कर दिया है, तो लोगों के रवैये भी चेंज होने चाहिए, और उस हवाले से बड़ी ही पॉजिटिव किस्म का फीडबैक हमें मिल रहा है। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि पुलिस को पब्लिक के साथ कनेक्ट कैसे करना है, क्योंकि पब्लिक ही हमारा मेन क्लाइंट है। उस हवाले से कुछ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी ऐसे हैं जिनको हम नॉर्मल अपनी पुलिसिंग में, बल्कि दूसरे महकमों में भी उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, जिसमें आप ओल्ड एज सिटीजन जो हैं, छोटे बच्चे हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, नारकोटिक्स एडिक्ट हैं, या कोई स्पेशल चिल्ड्रन हैं। इस हवाले से तहफ़ सेंटर्स का क्याम अमल में लाया गया, और वहाँ पे जो VSOs थे, विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स थे, वो ट्रांसजेंडर्स बनाए गए, और उनके साथ फीमेल जो हमारी जूनियर कोलीग थी उनको वहाँ पे हमने अपॉइंट किया, ताकि औरतों को, बच्चों को, ट्रांसजेंडर्स को, ओल्ड एज के लोगों को एक कंड्यूसिव किस्म की इन्वायरमेंट प्रोवाइड की जाए, ताकि वो इजीली अपना जो माफिया ज़मीर है वो बयान कर सकें, और फिर अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए वो अपने मसाइल का हल वो तलाश करें और कंफर्टेबल रहें। फाइनली तीनों अज़ला में मिसाक सेंटर्स का क्याम अमल में लाया गया। इससे पहले भी माइनॉरिटीज़ के जो मसाइल थे वो डेफिनेटली हल किए जाते थे, लेकिन कोई एक प्रॉपर फोरम मौजूद नहीं था जहाँ पे माइनॉरिटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे पुलिस के अंदर जो ऑफिसर्स हैं, जो जूनियर कोलीग हैं, वही वहाँ पे हम अपॉइंट करते हैं, और एक प्रॉपर हमने फोरम मुहैया कर दिया है जहाँ पे इनका कोई भी मसला होता है तो वहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे हल किया जाए। ये तासर जो पुलिस के साथ साथ हर सरकारी महकमे के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, पुलिस के अंदर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का एक बड़ा मरबूत निज़ाम है, और यहाँ पे बड़ी मीनिंगफुल पनिशमेंट दी जाती हैं, और उसका मकसद यही होता है कि सज़ा बराए सज़ा ना हो, बल्कि जिसको सज़ा दी जाए वो फिर दोबारा उस तरह की हरकत करने से गुरेज करें। इसके अलावा रिसेंटली हमने फीडबैक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया है, कोई भी कंप्लेनेंट अपने घर में बैठकर, अपने वर्क प्लेस पर बैठकर, अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए किसी भी सर्विस के हवाले से अपना पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक दे सकता है, तो जैसे ही वो हमारे सिस्टम पे उसका फीडबैक आता है तो हम उसको उस तक पहुँचते हैं, और उसकी जो भी ग्रीवेंस होती है उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा 1787 वहाँ पे भी अपनी शिकायत कोई भी कंप्लेनेंट दर्ज करवा सकता है। ये एक बड़ा सीरियस फोरम है, और यहाँ पे जब तक उसका मसला हल नहीं होता तो हम उस पर काम करते रहते हैं। इसके अलावा हमने कोशिश की है कि पुलिस के एटीट्यूड को चेंज करने के लिए उनको ट्रेन किया जाए, और इस हवाले से रीजनल ट्रेनिंग सेंटर साहिवाल पहला ट्रेनिंग सेंटर है जो कि रीजनल लेवल पे कायम किया गया है। तफ्तीश के हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए क्राइम सीन, मॉडर्न कंप्यूटर लैब, ई लाइब्रेरी जैसी सहूलियात दी गई हैं, और यहाँ पर तफ्तीशी अफसरान को मॉडर्न पुलिसिंग के साथ साथ एटीट्यूडनल चेंज के हवाले से भी शॉर्ट कोर्सेज कराए जाते हैं। इस हवाले से हमने यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस के जो फैकल्टीज़ हैं उनके साथ MOU साइन किए हैं, उनके फैकल्टी मेंबर हैं वो यहाँ पे आते हैं और लेक्चर्स देते हैं। फाइनली हमने फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के हवाले से एक नया इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करवाया है, और यहाँ पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स
हमारे पास आते हैं, यहाँ पे हमारी जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनको बताई जाती हैं, हमारी डेली वर्किंग के हवाले से उनको ब्रीफिंग दी जाती है और उनकी इंटर्नशिप भी यहाँ पे होती है। और तकरीबन हमारे पास अभी चौथा बैच वो चल रहा है और इसका मकसद सिर्फ यही है कि पब्लिक और पुलिस को आपस में कनेक्ट किया जाए और ग्रास रूट लेवल तक हम अपनी जो भी फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क ये था कि पुलिस के जो सीनियर और जूनियर रैंक्स हैं उनके दरमियान जो डिसकनेक्ट है उसको ख़त्म किया जाए। और ये उसी सूरत में मुमकिन था कि जब आप अपने जूनियर कोलीग हैं उनकी वेलफेयर के लिए काम करें। इस हवाले से जो सबसे पहला कदम उठाया गया वो प्रमोशंस थी। मुख्तलिफ रैंक्स में तकरीबन 502 अफसरान और मुलाजमान को प्रमोशन दी गई जिसमें कांस्टेबल से लेकर एसपी तक के अफसरान शामिल थे। उसके अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स के साथ एमओयू साइन किए गए ताकि हम अपने अफसरान और जवानों के बच्चों को बेहतर तालीम और बेहतर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। तमाम फोर्स की हेल्थ स्क्रीनिंग करवाई गई और उसके साथ साथ उनकी फैमिलीज़ की भी हेल्थ स्क्रीनिंग करवाई गई और जहाँ जहाँ पे मैं महसूस हुआ कि वो किसी किस्म की बीमारी में मुबतला हैं तो उनका इलाज करवाया गया। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन जारी है। इसके अलावा पुलिस मुलाजमान की हौसला अफजाई के लिए रेंज ऑफिस से तकरीबन 250 के करीब जवानों को कैश रिवॉर्ड दिए गए। शोदा और दीगर पुलिस मुलाजमीन की बच्चियों की शादी पर वेडिंग गिफ्ट दिए गए। शोदा की फैमिलीज हमेशा हमारे लिए नंबर वन प्रायोरिटी रही है। उनकी खुशी और गम में हम लोग खुद शामिल होते हैं और ख़ासतौर पे उनकी बच्चियों की शादियों में हमारे अफसरान वहाँ पे शामिल होते हैं। इसके अलावा शोदा की फैमिलीज में हमने 47 प्लाट्स और 3 नए घर तकसीम किए गए हैं। तकरीबन 300 पुलिस मुलाजमान के बच्चों को तालीमी वज़ाइफ प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा 117 बच्चों को शहीद या फैमिली क्लेम की बेसिस पर पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरियां दी गई। साहिवल पुलिस अपनी तमाम तर एनर्जीज के साथ पब्लिक की हिफाजत के लिए कोशां है। साहिवल पुलिस ने जो सफ़र जनवरी 2023 में शुरू किया था वो इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। इसमें अपने अफसरान और जवानों की वेलफेयर का भी ख्याल किया जाएगा, इसमें पब्लिक और पुलिस के दरमियान जो कनेक्ट है उसको मजीद मजबूत किया जाए और हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी साहिवल के अवाम की जानो माल इज़्ज़त की हिफाजत है। इस सिलसिले में हम अपनी कोशिशें पहले से ज़्यादा मजबूत और पहले से ज़्यादा तेज़ करेंगे। इंशाल्लाह ताला अपने इस खत्ते को महफूज बनाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। पंजाब पुलिस जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदा।